आज सुबह सुबह बीबी का फोन आया। बेचारी रो रही थी और मुझसे माफ़ी मांगी। फिर रोते हुए बोली कि मैं तुमसे कभी झगड़ा नहीं करूंगी, तुम्हारी हर बात सुनूंगी, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। ये सब सुन के मेरा दिल खुश हो गया यार, पर पता नहीं बीबी किसकी थी यार। लेकिन आजकल ऐसे सुन के बहुत अच्छा लगा, लेकिन आजकल ऐसी बीबी मिलती कहाँ है। सही थी यार, घर वाले कभी मुझसे खुश नहीं रहते यार। शाम को कहते हैं कि तू सोता क्यों नहीं, और सुबह को कहते हैं कि तू उठता क्यों नहीं। और कहीं मरा कहीं है, 12 बजे से पहले नहीं उठूंगा। बस राम राम। अगर घरवाली की तबीयत खराब हो जाए तो उन्हें अस्पताल लेके मत जाओ, उन्हें साड़ी की दुकान पे लेके जाओ। साड़ी फिर भी ठीक नहीं हो तो उन्हें सुनार की दुकान पे लेके जाओ। सुनार की भाई साहब तुरंत आराम लगेगा, तुरंत। और तुम्हें खाने में 56 भोग मिलेंगे, 56 भोग। 5-6 महीने तक बुखार भी नहीं आए वो, और तुमसे बार बार पूछेगी क्या सब्जी बना दूँ, कहीं पराठा बना दूँ कहीं है, और तुमसे दौड़ दौड़ के काम करेगी, दौड़ दौड़ के। ये रात की बात किसी को मत बताइए यार, तुम अपना वाला है नहीं इसीलिए बता दी। बीड़ी, सिगरेट, दारू, गुटखा खाने पीने वाला आदमी मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि जब उसे अपने शरीर से ही कोई मतलब नहीं है तो वो दूसरों के बारे में कई दीवार लिख के रख लो और कहीं रजिस्ट्री करवा के दूं कहीं है, रख के लिख के रख लो। मतलब नहीं रखे यार दारू पीने वाला आदमी। ए एक बंडल ले आई हो यार। मैं रोज कितनी भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊं, फिर भी आज तक कोई ने यह नहीं कही कि हमारे घर चाय पीने आ जाओ। सब मतलब ही लोग हैं यार, बस वीडियो देख के हंस लें, बस ना लाइक करनो ना कमेंट करनो यार, सब्सक्राइब तो करते नहीं ना तो शेयर करते यार, कुछ तो कर दिया करो यार। भाई आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, कुछ कर दिया करो यार, 4 में से कुछ नहीं करते, बताओ वीडियो देख लेते बस।